Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ, and God's blessing be upon you on this new day. और आज की सुबह आप सबको सुप्रभात मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत और अभिवादन करता हूं. So before we get into activities of this day, let us be silent for a few minutes, listening to the voice of God as the word of God comes to us. और इससे पहले कि हम दिन के और दूसरे कार्यों में व्यस्त हो जाएं, होने दे क्यों नहीं हम कुछ समय लेकर के परमेश्वर के वचन से सुने और उसकी वाणी का प्रकाशन अपने जीवनों पर देखें. Today's meditation is based on the gospel according to St. Matthew chapter 15 verses 1 to 9. और आज का मनन जो हमारे लिए है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और पहले वचन से लेकर के 9वें वचन तक. And we do not take time because of the limitation here, but I encourage you to read this passage after the meditation. और क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप इस अध्ययन को, इस मनन को सुनने के बाद कुछ समय निकालकर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक को जरूर पढ़ें. What we have here is a conversation between Jesus and certain scribes and Pharisees. और यहाँ पर हम एक ऐसे बात को होता हुआ देख रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में, जहाँ पर यीशु का बातचीत चल रहा है कुछ फरीसियों और शास्त्रियों के साथ. The subject may seem on the surface to be of no significance to this modern time. और जो विषय जिस पर उनका बातचीत या वार्तालाप चल रहा है, हो सकता है इस समय या इस युग में वो बात या वो विषय कोई मायने ना रखती हो. But at the same time, लेकिन उसी समय, the principles set forth in this passage are of great importance. लेकिन वो सिद्धांत जो इस वचन से हमें मिल सकता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. You know, the principles of Pharisees will never die. और याद रखिए, ये जो फरीसी हैं, इनके सिद्धांत कभी मरते नहीं. So let us learn and what we can from this conversation between Jesus and the Pharisees. और इसलिए आइए हम देखें ये वार्तालाप जो यीशु मसीह और इन फरीसियों के बीच हो रहा है. Jesus always had a big problem with the hypocrisy. और याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को हर बार कपटियों के साथ बहुत मुश्किल हुई. And hypocrites generally attach great importance to mere outward things. और जो कपटी होते हैं, वो बहुत महत्व देते हैं बाहरी रूप से दिखने वाली बातों को. Outward things in religion. और या धर्म में बाहर से जो देखा जा सकता है, उन सारे रीति रिवाजों को वो बहुत महत्व देते हैं. The Pharisees brought a complaint to Jesus. और इसी कारणवश फरीसी जो थे वहां पर, वो यीशु मसीह के पास एक शिकायत को लेकर के आए. A complaint against his disciples. और एक ऐसी शिकायत जो उसके चेलों के विरुद्ध थी. And is a striking example of their hypocrisy. और ये शिकायत लाना उनकी इस बात को दिखाता है कि वो कितने बड़े कपटी हैं. And look at the nature of the complaint. और उनकी शिकायत का जो स्वभाव है उसे आप देखें. Not the disciples were covetous. और ऐसा नहीं था कि चेले किसी को धोखा दे रहे थे. Or self-righteous. या अपने आप को खुद धर्मी कह रहे थे. Not that they were untruthful or uncharitable. और ऐसा भी नहीं कि वे झूठे या किसी की सहायता करने में पीछे हों. If these were the complaint, there would have been some validity, and Jesus could have and would have dealt with it. और यदि ऐसी कोई शिकायत ये फरीसी यीशु के पास लेकर के आए होते, तो हो सकता उन शिकायतों में कुछ सच्चाई जरूर होती और यीशु मसीह उन शिकायतों को सुनकर चेलों को जरूर डांटता और उन्हें ठीक करता. And here, not the complaint was not even that they were breaking any law set before them in the scriptures. और यहाँ पर शिकायत कुछ ऐसी भी नहीं थी कि व्यवस्था के अनुसार दिए गए किसी कानून को ये चेले तोड़ रहे हों.
But what was the complaint? लेकिन उनकी शिकायत क्या थी? That they had transgressed the traditions of the elders. लेकिन इन फरीसियों की शिकायत ये थी कि यीशु के चेलों ने पूर्वजों की परंपराओं को टाल दिया है. And this particular occasion. और इस व्यवस्था या इस समय. That they did not wash their hands when they ate bread. उन्होंने ये गलती करी कि उन्होंने रोटी खाने से पहले अपने हाथों को धुला नहीं. They did not observe some rule or where human authority, mere human authority, which some old Jew had. और उन्होंने ऐसी कुछ व्यवस्था या ऐसे कुछ नियमों का पालन नहीं किया जिन नियमों को कुछ पुराने यहूदियों ने बनाया था. And these were invented by the ancient people. और याद रखिए इन नियमों को पुराने यहूदियों ने बनाया था. Now in this, don't we see something of the spirit of Pharisees living in our Christian denominations of our time? क्या इस बात को देखकर या इस शिकायत को देख करके हम अपने समय में अगर इसकी तुलना करें तो क्या हम ये नहीं देखते कि मसीही संस्थाओं में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? Most of the Christians today know the traditions and customs and rituals and ceremonies attached to these traditions. और कई सारे मसीही हर एक रीति रिवाज को हर एक संस्कार को तो बहुत अच्छी रीति से और भली भांति रूप से जानते हैं. Now, there unfortunately we see too much of such hypocrisy today. और आज के समय में भी दुर्भाग्य ये है कि कितना ही कपटीपन हम विश्वासियों के बीच में देखते हैं. There are thousands of Christians who care very little for the true converted life of others. और ऐसे कई सारे हजारों मसीही लोग हैं, ईसाई लोग हैं, जो दूसरों के सच्चे बदले हुए जीवन की चिंता ही नहीं करते. And if their ways do not conform to their traditions. और यदि इन लोगों के तरीके जीने का रवैया उनके रीति रिवाजों के अनुसार नहीं, there is a big problem. तब एक बड़ी समस्या आ जाती है. And today Christians know only man-made traditions and customs of Christian denominations. और आज के दिन में तो ये है कि मसीही या ईसाई सिर्फ मनुष्य के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों, संस्कारों और नियमों को ही जानते और मानते हैं. And if we try to help them understand what the scripture says and what is written in God's word. और यदि हम इस कोशिश को करें उन्हें समझाने की कि वचन में क्या लिखा है या वचन इस बारे में क्या कहता है, they have a big problem. तब उनके संग बड़ी समस्या आ जाती है. And they have no idea of what the Bible teaches us concerning Christian life. और उनके पास ये कोई भी अनुभव या विचार ही नहीं कि वचन हमें क्या बताता है इस बारे में. And this is very sad. और ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है. But one day we all have to stand before God to give an account of our life. और एक दिन तो हम सबको परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना है अपने जीवन का करे किए गए सारे कामों का लेखा देने के लिए. And the judgment shall not be on the basis of traditions at all. और याद रखिए ये न्याय रीति रिवाजों या नियमों के अनुसार नहीं होगा. The judgment will be on the basis of what the scriptures has said. लेकिन ये न्याय तो होगा कि वचन क्या कहता है. And there is another lesson that we can. और एक और शिक्षा है इन वचनों से जो हम ले सकते हैं. The great danger of adding anything to the word of God. कि एक सबसे बड़ा खतरा वो जब आ जाता है जब हम परमेश्वर के वचन में चीजों की मिलावट करते हैं. And what is the danger? और वो खतरा क्या है? Whenever a man tried to make additions to the scriptures, और जब कभी कोई मनुष्य वचन में कुछ बदलाव या उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करता है, he is likely to end with valuing his own additions above scripture itself. तब होता ये है कि जो जुड़ाव वो वचन में उसने किया है या जो बदलाव वो वचन में लेकर के आया है वो उन नियमों उन कानूनों की ओर ज्यादा ध्यान देता है. This is a very dangerous situation. और ये एक बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है. And we see
this in our Lord's answer to the Pharisees. और इस बात को हम उस उत्तर में भी पाते हैं या देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों को दिया. Well, he answered. और उसने उत्तर दिया. Why do you also transgress the commandment of God by your traditions? और उसने फरीसियों को यीशु ने ये उत्तर दिया. तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हो? He strikes at the very system of adding anything as needful to salvation to God's perfect word. और वो तो उस बात पर जाकर के बात को ठहराता है या बताता है या इस बात को बड़ी ठोसता के साथ कहता है कि तुम परमेश्वर के उद्धार के वचन पे कुछ भी बड़ा या घटा नहीं सकते. So Jesus showed them something. और इसलिए यीशु ने कुछ उन्हें दिखाया. He showed them how the traditions of the Pharisees were actually destroying the authority of scriptures, God-given scriptures. और यीशु ने इस बात को फरीसियों को दिखाने की कोशिश करी कि कैसे फरीसियों के द्वारा चलाई गई परंपराएं या नियम या कानून परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं. And that there is an inherent tendency in all traditions to make the word of God non-effect. और इन सारी परंपराओं के मानने के कारण ही परमेश्वर का वचन का कोई प्रभाव दिखता नहीं. We all must understand and know one truth. और हम सबको एक बात समझनी है और एक सच्चाई को जानना आवश्यक है. God has given us only one measuring standard to measure our Christianity. परमेश्वर ने सिर्फ एक ही मापदंड हमें दिया है अपनी मसीहत को जांचने, परखने और मापने के लिए. And that is the unchanging scriptures given to us by an unchanging God. और ये है एक ना बदलने वाले वचन जो पर एक ना बदलने वाले परमेश्वर ने हमें दिया है. And therefore it is very important that we carefully examine our own behavior and our own practical life, measuring it by the standard given to us in God's word. और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को और किस प्रकार से हम अपने जीवन को जी रहे हैं उन सारी बातों को परमेश्वर के वचन के मापदंड के अनुसार रखें और उन्हीं मापदंडों के अनुसार हम अपने जीवन को जिए. This Bible is the only measuring rod given to us. और याद रखिए परमेश्वर का वचन ही वो मापने का स्तर है या मापदंड है जो परमेश्वर ने हमें दिया. Nothing else. और कोई बात नहीं. For example, the Bible says God's own word, you be holy because I am holy. और उदाहरण के तौर पे जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ. What is holiness? और ये पवित्रता है क्या? How do you will you have what do you do in order to be holy? और आप क्या करेंगे कि आप पवित्र बने? We have our own standard. हमारे पास अपना ही स्तर है. But that is never accepted in the sight of God. लेकिन इन बातों को परमेश्वर की नजरों में कभी भी ग्रहण योग्य नहीं है. We may be good in our own eyes. हो सकता है हम अपनी नजरों में तो बहुत अच्छे हैं. And we may look be very good to the eyes of the man of the world. और हो सकता है संसारिक लोग या बाहर के लोग भी हमें बड़ी अच्छी नजरों से देखते हैं. But the Bible says. लेकिन वचन बताता है. Our own goodness and our own righteousness will look like filthy rags in the sight of God, because He measured your righteousness and your holiness by the standard given to us by God Himself. और क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी धार्मिकता, हमारी भलाई, हमारी अच्छाई तो सिर्फ उन कूड़े के समान है, क्योंकि जब वो हमारी धार्मिकता और अच्छाई को नापेगा और मापेगा तब क्या उसके योग्य हम निकल पाएंगे. And we will continue this study. और हम इस मनन को जारी रखेंगे. In our next meditation. अपने दूसरे मनन में मैं इसमें बात करूंगा. And so meanwhile. और तब तक. Let us be very careful to what we give attention and value. तब होने दे हम बहुत सावधान बने रहें कि हम किस ओर अपना ध्यान
और महत्व देते हैं। Nothing can replace this book, the Bible. और याद रखिए, कोई भी बात परमेश्वर के वचन को के साथ का सामना नहीं कर There सकती। There is no substitute to the Word of God, the Bible. और याद रखिए, परमेश्वर के वचन या पवित्र शास्त्र बाइबल के जैसा कोई दूसरा वचन नहीं है जो उसके समान आ सके। So friends, इसलिए मित्रों, if you want to live a life pleasing to God, और इसलिए आप एक ऐसा जीवन यदि जीना चाहते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, build your life on the foundation of God's Holy Word. तब अपने जीवन को परमेश्वर के पवित्र वचन की नींव पर रखें। And may the Lord grant you grace. और होने दे परमेश्वर आप सबको अनुग्रह दे। And He always gives us grace. और वो हर वक्त हमें अनुग्रह देता। To live such a life. ताकि हम ऐसे जीवन को जी सकें। And His grace is always abundantly available. और उसका अनुग्रह बहुतायत से हम सबके लिए उपलब्ध है। So thank God for those who walk in the light of God's own word. और इसलिए धन्यवाद हूँ उन लोगों का जो परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलते And हैं। Not on our traditions. और उन परंपराओं के अनुसार नहीं चलते। And don't be afraid to reject any tradition which is not in conformity with God's wonderful word. और इसलिए कभी भी घबराए ना या डरे ना किसी भी ऐसी परंपरा के विरुद्ध खड़े होने के लिए जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष As you hold up the standard of the Bible and follow the Bible. जैसे कि आप परमेश्वर के वचन का स्तर को बना करके रखते हैं और उसी माप के अनुसार चलते हैं। And this is pleasing to God. और यही परमेश्वर के प्रति सराहनीय और उसे प्रसन्न करता है। And may the Holy Spirit fill you. और पवित्र आत्मा आप सबको भर दे। Let him guide you. और आपका मार्गदर्शन करे। And you be able to distinguish between what is worthy and what is not worthy. और आप इस बात को जानने और पहचानने के सक्षम हो जाएं कि क्या बातें सही हैं और क्या बातें नहीं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना। Lord, I thank you for those who have listened and those who will be listening to this at their convenient time. पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए आज की सुबह जो इस संदेश इस मनन को सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे। Even as they listen. और जैसे कि वे सुनते हैं। Speak to them. उनसे आप बात करें। Open their inner eyes. उनकी अंदरूनी आंखों को आप खोलें। To see clearly, for your word is light. ताकि वो स्पष्ट रीति से देखने पाए, क्योंकि तेरा वचन ही हमारे मार्ग की ज्योति। And may all of us walk in the light of your word. और होने दे हमें से हर एक तेरे वचन की ज्योति के अनुसार चलने पाए। And bring forth fruit for your glory. और तेरी महिमा के लिए फल को अपने जीवनों से लाए। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष। This is a great day. और ये एक महान दिन है। This is our opportunity. और मौकों से भरा हुआ दिन। And have a wonderful day. और इसलिए एक अच्छा दिन आप सबका हो। आमीन।